हे वो सब कैसे हो आप सब। तो यार आज हम बात करोगे हड़प्पा में चलते चलते फिरी की सवारी जिसका नाम है निषाद वो लोग। ये एक ऐसा चैनल है जिसमें वो लोग के अलावा सब कुछ मिलेगा। एटीट्यूड डायलॉग भोजपुरी शायरी कॉमेडी वीडियो मूवीज इस नहीं बोला जा रहा यार। इसकी वजह से इंट्रो को 4 बार बोलकर डिलीट करना पड़ा मुझे। क्या रोस्टर बनेगा रे तू। निशांत भाई की वीडियो देख कर ना मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, सलमान भाई का करियर ना संकट में है। और क्या तुम्हें पता है बॉलीवुड का नया हीरो निशांत भाई, टिकटॉकरों का नया हीरो निशांत भाई, क्रिंज इंडस्ट्री का नया हीरो निशांत भाई। तो आज हम इसी सुपरस्टार के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी इंतकाम के। गुड मॉर्निंग मिस्टर कृष्ण प्रसाद। ये देखो न्यू जनरेशन का राजकुमार का न्यू वर्जन। बिना अपॉइंटमेंट के और तुम यहाँ? वक्त कम था इसलिए अचानक आना पड़ा। भाई ये रेल की पटरी है, घर नहीं, जो यहाँ मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और यार इसको देखो, ये वो इंसान है जो अपने आप को अपने दोस्तों के ग्रुप का किंग समझता है। इस चेकबुक के हर पन्ने पर मैंने दस्तखत कर दिए हैं, रकम आप जितनी चाहे भर सकते हो। भाई तुम्हें ना यूट्यूब पर नहीं इंस्टाग्राम पर होना चाहिए था, क्योंकि लिप सिंक वाले काम वहीं होते हैं। और यार इसको देखो, इस भाई की गर्दन ऐसे ही रहती है, एक्सप्रेशन चाहे कैसे भी हो। भाई यूट्यूब पर कुछ दिन पहले क्या आया था? भयानक तूफान। भैया यूट्यूब पर नेक्स्ट क्या आने वाला है? भयानक तूफान। और अगर आपने ऐसी गलती की तो उसका अंजाम सिर्फ मौत का तांडव होगा। इंस्पिरेशन गए दीपक अलाल से चैट करने। भाई की आंखें और गर्दन एक ही जगह रहती है। और हमारे निशांत भाई ना सन्नी पाजी के बहुत बड़े फैन है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनके डायलॉग पर लिप सिंक ना करें। ना ना बिल्कुल भी नहीं। हमारी पावर है जब तक पहले तो सस्ते सन्नी पाजी बच्चे को पकड़ लेते हैं और फिर सामने वाले को अपना हड्डियों से बना हाथ अपना 2.5 किलो का हाथ दिखाते हैं, तभी सामने वाला भी कपड़े उतार देता है। भाई तू सलमान भाव का फैन है ना? है ना, तू सलमान भाव का फैन है ना? क्या इतना बुरा हूं मैं मानो। दिया दीदा जी जो रोक दिया, वरना 7 भाइयों की जगह 6 रह जाते। काशीनाथ हमें खुशी हुई तुम्हारी बात हुई देख। लेकिन निशांत भाई मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। नहीं यार देखो यार इस मासूम को। नहीं हम कहा बताए तुमको, हम ना हमको जबरदस्ती लाए गए हैं यहाँ पर, किडनैप करके लेकर आए हैं। ये बैठा यही बोलो सुबह केसरी। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। जब बॉस को कुछ बोला तो भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब साथियों को कुत्ता बोला तो भाई एकदम से भड़क गया और इसके अंदर तो अलग ही पावर आ गई। भोसड़ी के मादरचोद बहन के लोड़े मच्छर की झाग। और निशांत भाई ना अपने आप को दूसरे इंसानों से कंपेयर भी करते रहते हैं, क्योंकि कोई इनको नहीं किसी से कंपेयर करता ना। और अब निशांत भाई की यही वीडियो देखेंगे। हमसे ना उलझिया बेटा, हम आलिया पार कर देंगे। हमसे ना उलझिया बेटा, हम आलिया पार कर देंगे। जितनी देर में तुम लोने इकट्ठा करोगे ना, कि जितनी देर में तुम लोने इकट्ठा करोगे उतनी देर में ये निशांत तुझे बर्बाद कर देगा। बताओ इतना मादर चोद लड़का। निशांत भाई कंपेयर किया तो किया, लेकिन ये क्यों किया? सामने वाले को जो जवाब ही देना था तो किसी डायलॉग बोलकर ये लास्ट में जानवरों वाले साउंड इफेक्ट क्यों लगाए? जब मन नहीं था डायलॉग लिखने का तो लिखा क्यों? क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी कुछ भी यार। ओके बाय, लव यू। उड़ जा तू आसमान में, चलता रे सीना तान के, तू मस्त रह, मत ध्यान दे, बस छोटी सी है बात जो तू जानता नहीं इंसान।